शहर की सड़कें बदहाल स्थिति में हों, तो आप इसकी शिकायत नगरपालिका से करते हैं या जिम्मेदार नेताओं के अधिकारियों से। लेकिन जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे जानकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये तस्वीर नगरपालिका के सामने की है। जी हाँ, ये है छत्तीसगढ़ का बदौला बाजार नगरपालिका। यहाँ नगरपालिका के बाहर के ही रोड जर्जर हालत में है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे नगर का क्या हाल होगा। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खास बात यह है कि जिस जगह पर जनता के चुने हुए नगरीय प्रशासन का कार्यालय हो, वहीं पर अव्यवस्था, धूल की और रोड जर्जर हालत में होना गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। आपको बता दें कि रोजाना आम लोग इसी रास्ते से होकर कलेक्ट्रेट, एएसपी ऑफिस और महाविद्यालय की ओर जाते हैं। अब ये वीडियो ये दिखाने के लिए काफी है कि जिम्मेदारों में कितनी जिम्मेदारी है। हालांकि पालिका अध्यक्ष चितावर जायसपाल जल्द इसको मरम्मत कराने की बात कह रहे हैं। नगर पालिका के बाहर की रोड खराब है, अगर बाहर की रोड खराब है तो फिर पूरे नगर की रोड की जी हाँ, इस सड़क को बनवाने के लिए हमने बीटी रोड का लगभग 97 लाख का प्रपोजल बनाकर शासन को प्रेषित कर दिया है। जैसे स्वीकृति आएगी रोड का बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अजीत के बाद एक उम्मीदें थी बल्ला बाजार के लोगों को, नगर पालिका के बाहर की रोड खराब है। नगर पालिका के रोड के बाहर का प्रपोजल टीसी मतलब उसका पीएस करा के शासन को भेज दिया गया है। 97 करोड़ का बजट है, उसमें 12 लाख की करीब नाली है, जो कि शासन की ओर से स्वीकृति आने पे मंत्री महोदय जो द्वारा यह बोला गया है कि वित्त विभाग की बैठक में यह प्रपोजल जाएगा, उसके बाद स्वीकृति आप लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद कार्य चालू होगा। सर, जो पेज डाला जाता है क्या? पेच इस तरीके से डाला जाता है कि रोड ही बह जा रहा है? नहीं, तो पेच अपन उसको ऐसा नहीं डाल रहे हैं कि उससे अपन बजट को अपन सरकारी बजट से, वो तो ऐसे ही है, मलमा वलमा अपन डाल के उसको ठीक कर रहे हैं। बता दें कि टेंडर जारी हुए महीने बीत गए, लेकिन अभी तक इनका निराकरण नहीं हुआ है। अब ऐसे में पालिका के सामने ही इतनी अव्यवस्था देखने को मिल रही है, तो नगर वासियों को और न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदौला बाजार से कार्तिक साहू की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।